हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और जैसा कि आप सबने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने एक थ्योरी लेक्चर देखा कि इंक्रीजिंग द एरे साइज डायनेमिकली हम कैसे C++ में एरे के साइज को इंक्रीज करते हैं। तो आज उसका प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब उसको कोड करके देखेंगे कैसे कर रहा है। सो लेट्स गेट बैक ऑन माई स्क्रीन। तो जैसा कि देख सकते हो हमने पीछे जो बोर्ड है उस पर किया था। तो कुछ ऐसा एरे बनाना है, तो ये मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैंने अपने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के तरीके से मैंने इसको पूरा सेटअप कर रखा है। एक वीडियो डाल दूंगा कैसे ये आ रहा है। तो ठीक है, तो फटाफट से कोड लिखते हैं और हम इसको C++ से करेंगे कि कैसे हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं साइज़। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये मैंने एक स्निपेट बना रखा है, आई गेस मुझे थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ। ठीक है, ओके। तो हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन, और ये इनपुट और आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे सबलाइम टेक्स्ट को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए आप सेटअप करें, तो आई विल डेफिनेटली मेक इट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक एरे बनाना है या फिर एक डायनेमिक एलोकेशन करने के लिए हमें हीप में बनाना पड़ेगा। हीप बनाने के लिए हमें पॉइंटर चाहिए। सो लेट्स क्रिएट अ पॉइंटर इंट स्टार पी, और जिसको हम एलोकेट करेंगे एक एक 5 साइज का ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो वो कैसे करते हैं, न्यू करते हैं, इंट करते हैं, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं जितना भी हमें साइज चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंटर पी में हमने एक ब्लॉक, बिल्कुल पूरा कह सकते हो कि 5 साइज का ब्लॉक हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, दैट्स ओके, क्लियर, परफेक्ट। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसमें हम वैल्यूज एंटर करानी है। तो वैल्यू एंटर करने के बहुत सारे तरीके हैं। लेट्स यूज द फॉर लूप, और फॉर लूप एंटर करेंगे और इंट 5 करेंगे, एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पी ऑफ आई जो है उसके अंदर हम क्या वैल्यू इंसर्ट करा दें, लेट्स सपोज आई प्लस 5 एंटर करा दो। ठीक है, जो भी हो उसके आगे 5 आप, या फिर आई प्लस 4 एंटर कराते चले जाओ। ठीक, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि कैसा हमारा एरे बना है। ठीक है, कैसा एरे हमारा बना है, तो इसके लिए लेट्स मूव देयर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी आउट पी ऑफ आई और एंडर। ठीक है, लेट्स रन दिस, और तुम्हें आउटपुट कहाँ दिखेगा, तुम्हें आउटपुट इस जगह दिखेगा जो है जो output.txt, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक, इट्स बिल्डिंग, और यहाँ पे 4 5 6 7 8, ये हमारा एक एरे बन गया 6 लाइंस। क्यों, क्योंकि इसके बाद भी इसने एक एंडल बनाया। ठीक है, तो दिस इज अवर एरे। अब ये एरे मेरा बना है जो कि हमारा कितने साइज का है, 5 साइज का। तो अगर मैं अभी ऐसे देखूँ तो हमारा कुछ इस तरीके का हमारा कुछ सेटअप है। तो इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक और एक हम पॉइंटर बनाएंगे, क्यू पॉइंटर बनाएंगे जो कि इससे बड़े साइज का होगा। हमने यहाँ पे 10 साइज का हमें एक पॉइंटर बनाना है अगर हमें 10 का साइज बढ़ाना है। ठीक, तो हम चलो यहाँ पे चलते हैं और एक और पॉइंटर बना लेते हैं, लाइक इंट स्टार क्यू, और इसमें हम क्या लिखेंगे, न्यू इंट, और इसके अंदर मैंने ब्लॉक ऑफ साइज दे दिया 10। तो मैंने एक और एरे बना लिया जिसको मैंने पॉइंटर में स्टोर करा दिया, जिसका साइज कितना है 10। अब मुझे क्या करना है कि पी में, पी का जितना कंटेंट है वो मैं क्यू में कॉपी करूँ। लाइक कैसे मैं क्यू में कॉपी करूँगा, ऐसे कुछ इस तरीके से कि 4 5 6 7 8 मेरा इसमें पूरा का पूरा कॉपी हो जाए। अब ये जैसे ही कॉपी करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक तो फॉर लूप है और कुछ अलग फंक्शंस होते हैं वो हम देख लेंगे आगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 5, आई इज लेस देन 5। ठीक है, और उसके बाद लेट्स मूव टू द कोड पार्ट, और मैं क्या करूँगा, क्यू ऑफ आई में क्या डाल दो आप, पी ऑफ आई डाल दो। ठीक है, सिंपल ईजी, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इंट स्टार क्यू हमने क्या किया, उसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, आई गेस इतना क्लियर है। इस फॉर लूप को अभी हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, इसके भी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नाउ अब जब तुमने यहाँ पे इसको बना दिया, यानी कि अब जो हमारा जो कंटेंट दिख रहा है वो जिस तरीके का दिख रहा है, अब मुझे क्या करना है, जो पी का जो रेफरेंस है, द रेफरेंस ऑफ पी, मुझे इसके ऊपर करना है। पी को जो इधर पॉइंट कर रहा है ये पी, इस वाले एरे को मुझे पी को इधर पॉइंट करना पड़ेगा। बट उसको पॉइंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरे को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसने जितनी मेमोरी ले रखी है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, और डिलीट कैसे करेंगे, पी। सिंपल, बहुत ही आसान। इससे क्या हुआ, हमारा जो पी था वो डिलीट हो गया। ठीक है, पी डिलीट हो गया, और अब मुझे क्या करना है, पी का रेफरेंस मुझे किसको देना है, क्यू को। तो पी का रेफरेंस हम क्यू को कैसे देंगे, पी इज इक्वल टू क्यू। ठीक, तो अब कुछ हमारा इस तरीके का सीन बन गया कि पी जो है वो क्यू की इसकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है, और ये हमारा एरे भी नहीं बचा, और पी अब किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, क्यू की तरफ। अब मुझे क्या करना है, क्यू को यहाँ से हटा करके क्यू को नल की तरफ पॉइंट कर दूँ,
और मेरा क्यू हट जाएगा और पी की तरफ हमारा ये रेफरेंस आ जाएगा। ठीक, तो लेट्स असाइन क्यू इज इक्वल टू नल, एंड नल हमारा कैसे आता है कैपिटल में, नल पे असाइन कर दिया एंड दैट्स इट सिंपल। बस अब जो हमारा साइज ऑफ पी है वो क्या है, तो हमें साइज हमारा पता चलिए कितना 10 है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से प्रिंट कराऊँ, एक मैं फॉर लूप डालता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 5 और लेट्स प्रिंट पी ऑफ आई। ठीक है, दैट सिंपल, लेट्स बिल्ड दिस। ठीक है, ओके सॉरी मैंने सी आउट नहीं लिखा यहाँ पे, सी आउट पी ऑफ आई एंड डेल। ओके ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको 10 तक भी कर सकता हूँ, तो लेट्स प्रिंट आउट टिल 10, 10 तक प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 4, 5, 6, 7, 8 और कुछ जितनी भी हमारे पास वो जितनी वैल्यूज हैं वो।